दोस्तों इस वक्त की सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। दिल्ली पुलिस ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए खाली करवाया शाहीन बाग। जी हां दोस्तों, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, लाइव अपडेट है ये। शाहीन बाग को खाली कराने के विरोध में उतरे लोग, पुलिस के खिलाफ की नारेबाजी। जी हां दोस्तों, ये लोगों को समझ नहीं आ रहा है, पुलिस ने इनकी रक्षा के लिए, संक्रमण को रोकने के लिए शाहीन बाग का मुद्दा ख़त्म किया है, मगर लोग फिर भी नहीं मान रहे। कोरोना वायरस पर लगाम लगाने की कोशिशों तहत दिल्ली पुलिस ने एहतियातन में शाहीन बाग धरना स्थल को खाली करा दिया है। जी हां दोस्तों, पुलिस की कार्रवाई का कुछ लोगों ने विरोध भी किया है और सड़क पर उतर आए हैं। विरोध कर रहे लोगों को हिरासत में भी लिया गया है, अब हालात वहाँ पर काबू में हैं। जी हाँ दोस्तों, मंगलवार सुबह देश में नागरिकता कानून के खिलाफ विरोध का केंद्र बना शाहीन बाग को खाली करा दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे शाहीन बाग का धरना कोरोना ने करवाया ख़त्म। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आप देख पा रहे होंगे लाइव तस्वीरें। दिल्ली के शाहीन बाग में पिछले 100 दिनों से चल रहा शाहीन बाग का धरना आखिरकार आज सुबह मंगलवार पुलिस ने भारी बल संख्या में बल ले जाकर खाली करवा दिया है। मंगलवार 24 फरवरी को ख़त्म कर दिया है। हाँ दोस्तों, ये अच्छा फैसला है हम सबकी सुरक्षा के लिए। कोरोना वायरस पूरी दुनिया के लिए एक युद्ध का रूप ले चुका है दोस्तों, अगर हम अभी नहीं संभले तो ये वायरस बहुत ही भयंकर रूप ले सकता है। जी हाँ दोस्तों, हम समझ सकते हैं दुनिया को देखते हुए दिल्ली के शाहीन बाग से पुलिस ने हटाए प्रदर्शनकारियों के टेंट, भारी संख्या में जवान बल तैनात। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली पुलिस ने मंगलवार की सुबह शाहीन बाग इलाके में लगे प्रदर्शनकारियों के टेंट हटा दिए हैं। इस दौरान वहाँ भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। पुलिस ने कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकते हुए लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए ये कार्रवाई की है। आपको बता दें, 2 दिन पहले ही शाहीन बाग में प्रदर्शन करने वाला एक शख्स कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। जी हाँ दोस्तों, आप सोच सकते हैं ये स्थिति कितनी गंभीर हो सकती है हमारे देश के लिए, पूरी दिल्ली के लिए। हमें सीखने की ज़रूरत है इटली जैसे देशों में, अमेरिका जैसे देशों से, जहाँ का हेल्थ सिस्टम इतना अच्छा है उसके बावजूद भी वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे। अगर हमारे हिंदुस्तान में ये महामारी इस लेवल पर फैल गई तो आप दोस्तों सोच सकते हैं इसका क्या परिणाम होगा, हम सबको भुगतना होगा, इन लोगों को समझना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, लाइव अपडेट है, एक्शन में दिल्ली पुलिस, शाहीन बाग से प्रदर्शनकारियों को हटाया। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे लाइव तस्वीरें, शाहीन बाग इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस का कहना है कि कोरोना वायरस के कारण दिल्ली को लॉकडाउन किया गया है। हमने शाहीन बाग के लोगों से अपील की है कि वह प्रदर्शन से हट जाए। धरना स्थल खाली कराने का विरोध कर रहे 5-6 लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। जी हां दोस्तों, पुलिस उपायुक्त दक्षिण पूर्व RP मीणा ने कहा है कि कोरोना वायरस प्रकोप के कारण लॉकडाउन बंद लागू किए जाने के बाद शाहीन बाग में प्रदर्शन खाली कराया गया है। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे ये सभी लाइव तस्वीरें।